भोलेनाथ, आज वीडियो उसके लिए बनाई बनाई हूँ मैं, क्योंकि एक बार मुझे कमेंट में आया था कि लाल जैसोन का फूल भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है, तो मैं बताना चाहती हूँ उसको। जो भी एक बोला है कमेंट में लिखा है कि लाल फूल नहीं चढ़ाया जाता, तो लाल फूल क्यों नहीं चढ़ाया जाता भोलेनाथ को? सिर्फ ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि भोले ही नाथ को हम चढ़ा रहे हैं, भोलेनाथ में तो गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं और उनकी पुत्रियां हैं, और गौरा मैया का स्वरूप है भोलेनाथ की लिंग में, और शिव तो है ही हैं। तो ये जो मैं लाल फूल कभी फ्रेंड्स चढ़ाती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने कमेंट किया था इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ, सिर्फ उन्हीं के लिए जो ऐसा गलत सोच रहे हैं कि लाल फूल भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है। जो मैं ये लाल फूल चढ़ाती हूँ, तो मैं लाल सिंदूर भी चढ़ाती हूँ भोलेनाथ को, सिर्फ कहाँ चढ़ाती हूँ तो आप देख सकते हो, कभी भी मैंने वीडियो डाल कभी वीडियो बनाती हूँ तो आप देखते होगे कि मैं सिंदूर कहाँ समर्पित करती हूँ। जहाँ गौरा मैया का स्थान है सिर्फ वहीं मैं सिंदूर समर्पित करती हूँ, और लाल रंग का जो फूल रहता है मेरा, जासौन का रहे चाहे कुछ चीज़ का भी फ्रेंड्स रहे, तो मैं गौरा मैया को समर्पित करती हूँ, भोलेनाथ को नहीं करती हूँ। तो आप इस चीज़ को देखिए मेरी वीडियो, और कमेंट में आप फिर से दोबारा बताइए कि मैं क्यों भोलेनाथ को ये लाल फूल चढ़ाती हूँ। तो भोलेनाथ को नहीं चढ़ाती, जो यहाँ जो रहती है ना गौरा मैया का स्थान होता है ना फ्रेंड्स, तो ये मैं उनको समर्पित करती हूँ लाल फूल। और ये सिंदूर भी जो लगाती हूँ वहाँ, तो गौरा ही मैया के नाम पर लगाती हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपको बता रही हूँ, जो आपने मेरे को कमेंट किया था कि लाल फूल भोलेनाथ को नहीं चढ़ा जाता, तो शिवलिंग में तो सारी पूरा जगत ही समाया है इसीलिए, और गुरुजी भी बताते हैं कि कौन कौन शिवलिंग में है। तो फ्रेंड्स जय भोलेनाथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, और ये है मेरे अंदर की मंदिर की भगवान की पूजा। यहाँ राम दरबार है, माता जी बैठी हैं, और बाकी बिहारी कन्हैया, और ये भोलेनाथ मेरे हैं इधर भी, तो ये फोटो में हैंगे, बाकी लिंक तो वहाँ बाहर रखा हुआ है। तो जय भोलेनाथ।